हिंदुस्तान में बिंदी सुंदरता का प्रतीक होती है। किसी भी स्त्री की सुंदरता में चार चांद तब लगते हैं जब वो पूरा तैयार होने के बाद माथे पर एक बिंदी लगा ले। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू महिला बिंदी लगाकर बाहर निकल जाए तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे यह बिंदी क्यों लगाई है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों के लिए एक हिंदू महिला का बिंदी लगाना ड्रामा करने जैसा है। आप सब सोच रहे होंगे कि इतने बड़े पुलवामा अटैक होने के बाद लोगों को पाकिस्तान के लिए बदले की आग है, गुस्सा है। वही मैं पाकिस्तान के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदुओं की कंडीशन पाकिस्तान में कैसी है और उन पर क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है वी फॉर इनोवेटिव। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। 20 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का छठा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अन्य महत्वपूर्ण नगर कराची और लाहौर और रावलपिंडी है। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जो भारत से अलग होकर बना है। बंटवारे के बाद कई मुस्लिम लोग भारत में बस गए और कई लोग पाकिस्तान चले गए। लेकिन तब सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि बहुत सारे हिंदू परिवार भी पाकिस्तान में बस गए। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों से बहुत कम है और तो और पाकिस्तान में हिंदू आबादी बढ़ने की बजाय और कम हो गई है। पाकिस्तान में हिंदू धर्म की जनसंख्या लगभग 2% है और इसके पीछे मुख्य कारण पाकिस्तान में हुए हिंदुओं के प्रति अत्याचार है। अच्छे बुरे दोनों ही तरह के लोग हर जगह मिलते हैं, लेकिन अक्सर पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे इंडिया से पाकिस्तान कब माइग्रेट हुए हैं। हिंदू महिलाएं और उनका परिवार अक्सर पाकिस्तानियों की बातचीत में रहते हैं। उन्हें देखकर सारे डिस्कशन हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान पर होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी कई बार पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अपना धर्म चेंज कर इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए फोर्स भी किया करते हैं। अगर कोई हिंदू औरत ने सिंदूर, जो कि हमारे हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक होता है, लगाया हो तो पाकिस्तानी लोग कई बार जज करते हैं कि यह तो हिंदू है और उनके पास से हट जाते हैं जैसे कोई छुआछूत की बीमारी हो। वहां हिंदू खुलेआम बंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान समाज में इनटॉलरेंस है। अलग धर्म, अलग पहचान और अलग सोच को बर्दाश्त नहीं किया जाता। कोई लड़की जीन्स पहनकर बाजार में निकल जाए तो उसे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में हिंदू को इज्जत नहीं मिलती। उनके हिसाब से हिंदू लोग इंसान ही नहीं होते। वहाँ के हिंदू लोग अपने बच्चों को बुर्का पहनाकर ही बाहर भेजते हैं। और तो और, जैसे कोई हिंदू बाजार गया और उसे बहुत प्यास लगी तो उसके लिए अलग से ग्लास में पानी आता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब किसी की डेथ होती है तो उसे जलाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को जलाने की इजाजत नहीं है। उन्हें मरे हुए इंसान को दफनाने को बोलते हैं और हिंदुओं को पाकिस्तान में अपने त्यौहार जैसे होली दिवाली आदि मनाने की इजाजत नहीं होती है। उन्हें गाय मीट आदि खाने पर भी फोर्स किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आज की तारीख में शिक्षा है, जो कि पाकिस्तान में हिंदुओं को अक्सर नसीब नहीं होती है। आज न जाने कितने हिंदू परिवार पाकिस्तान के अत्याचारों को झेल रहे हैं और आज की तारीख में पाकिस्तान में हिंदू होना किसी गुनाह से कम नहीं है। आए दिन पाकिस्तान में रहने वाले कोई ना कोई हिंदू परिवार को यह अत्याचार झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा और आज आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन है और वहां पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। अगर आपने अभी तक वी फॉर इनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।